हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फेस जोन। आज हम इस एपिसोड में रजनीकांत की जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सत्य साबित करके बताया हो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की, पर जिस तरह रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में इतिहास रचा है वैसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाए होंगे। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से BTS कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा ये हम सोच सकते हैं। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत काबिज हैं उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है शायद रजनीकांत ने उससे ज्यादा ही किया है। संघर्षपूर्ण बचपन। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बेहद मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किलों भरा रहा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने युवावस्था में कुली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की, फिर वे BTS में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। रजनीकांत का अंदाज एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूर सरे बस कंडक्टरों के बीच विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर चेन्नई के अद्यार फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहां इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंद्र की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि वही उन्हें अपनी फिल्म में एक चरित्र निभाने का प्रस्ताव दे डाला। फिल्म का नाम था अपूर्व रागांगल। रजनीकांत की ये पहली फिल्म थी पर किरदार बेहद छोटा होने के कारण उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे योग्य थे। लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ हर उस इंसान ने की जिसकी नज़र उन पर पड़ी। विलेन से हीरो बने रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालचंद्र को अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान मिली निर्देशक SP मुथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चैपिंडी से। इसके बाद SP की ही अगली फिल्म उरुकेल्विकोरी में वे पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुए। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। पाशा, मुथु अन, नामलाई, अरुणाचलम, थालाप्ती उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 65 वर्ष के उम्र के पड़ाव पर वे आज भी वे शिवाजी द बॉस, रोबोट, कबाली जैसी हिट फिल्में देने का मादा रखते हैं। 65 वर्षीय रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि कबाली फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा लिए। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और भी विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपर सितारे होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से विपरीत असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनको पूछते हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जाहिर है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति मदद मांगने आता है वे उसे खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर बनाया है। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया के किसी सितारे को मिला हो। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। आज वे 65 वर्ष की उम्र में रोबोट 2 फिल्म पर काम करा है। उनका यही अंदाज लोगों के दिलों पर राज करता है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। डॉट तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।